गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन माय चैनल स्वास्थ्य फिजिक्स जोन। और आज हम वीडियो के अपने सिक्स्थ पार्ट में हैं, जो कि चैप्टर नंबर 13 का है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम देखेंगे, ये हमारा टॉपिक है किस पे, कि जब हम क्या करते हैं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को कहाँ रखते हैं, किसी मैग्नेट में रखते हैं, जब वो क्या कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसमें से निकल रही होगी, तब वहाँ पर किसी मैग्नेट के अटैचमेंट में, मैग्नेट के पास में अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं, तो वहाँ पर उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हमको देखना है। तो पहले बाय डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि क्या कह रहा है, कि एंड्रे मारी एम्पियर सजेस्टेड डैट द मैग्नेट ऑल्सो एग्जर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इन्होंने ये कहा कि जो मैग्नेट होता है, अगर उसके पास करंट कैरिंग कंडक्टर उस कंडक्टर में क्या हो रहा होगा, करंट अगर जा रहा होगा, तो वहाँ पर क्या करेगा, जितना फोर्स हमारा मैग्नेट लगाएगा, उतना ही फोर्स हमारा कंडक्टर भी लगाएगा इक्वल अमाउंट में, और अपोजिट लगाएगा। तो इन्होंने ये सजेस्ट किया। अब इनको, इनके सजेस्टमेंट को हम देखते हैं कि कैसे इन्होंने क्या बताया था। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक बैटरी ली है वी वोल्ट की, और इसको कनेक्ट करा दिया है हमने ले जाके एक कंडक्टर से। ये हमारा एक रॉड है, आयरन रॉड या एल्युमिनियम रॉड समझ लीजिए। इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर फिर हमने एक क्या कर दिया है, हॉर्स शू मैग्नेट को अटैच कर दिया है। ये हॉर्स शू मैग्नेट क्या करेगा, अगर करंट नहीं इसमें जाता रहेगा और ये आयरन का रहेगा, तो इसको अटैच कर लेगा। लेकिन अगर इसको करंट हम फ्लो करा रहे हैं यहाँ से, और बार यहाँ पर जो हॉर्स शू मैग्नेट हमने लिया है, इसका कुछ ऐसे रखना है कि साउथ पोल कहाँ रहे ऊपर, और नॉर्थ पोल क्या रहे, नीचे रहे। तो यहाँ पर जब हम करंट इसको फ्लो कराएंगे, तो जब करंट जिस रास्ते से जाती है, वो रास्ता कैसा बन जाता है, साउथ का, और जिधर को जाती है वो रास्ता कैसा होता है, नॉर्थ का। तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्योंकि लाइक पोल्स आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर रिपल्शन होगा, तो ये क्या करेगा, इक्वल अमाउंट में फोर्स जितना यहाँ पर कंडक्टर लगाएगा, उतना ये भी यहाँ पर लगाएगा, और क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा, रिपेल करेगा, अपने से दूर करेगा। अगर इसी जगह हम क्या करते हैं, मैग्नेट को उल्टा कर देते हैं, कि यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर अगर हम नॉर्थ ले लेते हैं और यहाँ पर साउथ ले लेते हैं, तब हमारा क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट करने लगेगा। क्यों अट्रैक्ट करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपोजिट पोल्स हो जाएंगे, और अपोजिट पोल्स आपस में क्या करते हैं, या अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह अगर हम क्या कर दें, कि अगर मान लीजिए हमने मैग्नेट को सेम रखा, कि मैग्नेट के पोल्स जो है हमने सेम रखे, कि साउथ और नॉर्थ में ही हमने रखा है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं, कि प्लस पॉजिटिव पोटेंशियल से ना लेकर हम नेगेटिव पोटेंशियल से भेज रहे हैं करंट को। जब करंट इधर से जाने लगेगा, तो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन फिर से रिवर्स हो जाएगी, और रिवर्स होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, फिर से ये अट्रैक्ट करने लगेगा जो भी हमारा रॉड है, जो क्या कर रहा है, कंडक्टर, एज अ कंडक्टर वर्क कर रहा है, और उसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो जब तक करंट इसमें फ्लो होगा, यहाँ पर क्या होगा, कि ये कंडक्टर में क्या होगा, करंट अगर फ्लो कर रहा है, तो ये एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा, और एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। अगर यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं करंट के, नेगेटिव पोटेंशियल से, तो ये अट्रैक्ट करेगा, और अगर सीधा लेते हैं, तो क्या होगा, ये हमारा साउथ पोल होगा और ये नॉर्थ पोल, तो लाइक पोल्स होने की वजह से ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पर हमने समझा, या तो हम अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें तब अट्रैक्ट करेगा, या तो फिर क्या करें, जो हमारा मैग्नेट हमने लिया है उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो अट्रैक्ट करेगा। अगर सीधा रखेंगे दोनों चीज़ों को, तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा नोट पॉइंट क्या लिखा गया है, क्या यहाँ से हमने देखा, क्या ऑब्जर्वेशन हमारी आई, उसको हम लिख लेते हैं। द रॉड विल एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू इट्स लेंथ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके लेंथ के अक्रॉस परपेंडिकुलर, मतलब ये जो फोर्स लगेगा इस पर कैसा लगेगा, परपेंडिकुलरली लगेगा, 90 डिग्री के हिसाब से लगेगा, और 90 डिग्री के हिसाब से ये क्या होगा, रॉड जो होगा डिस्प्लेस होता चला जाएगा, जब इस पर क्या होगा, सीधा सारा कनेक्शन किया जाएगा, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से हम क्या करेंगे, अपने कंडक्टर को कनेक्ट करा के जो करंट की डायरेक्शन होगी क्या करेंगे, सीधा अगर करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा मैग्नेट रहेगा, उसका जो लाइक पोल रहेगा, सॉरी उसका जो साउथ पोल रहेगा, वो क्या रहेगा, यहाँ पर जो साउथ पोल है, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, लाइक में हैं, और लाइक क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमने ये देखा है कि यहाँ पर क्या होगा, जो फोर्स लगेगा वो क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा मैग्नेट की वजह से कंडक्टर को। उसके बाद फिर सेकेंड हमारा क्या है, कि द डायरेक्शन ऑफ द एग्जर्ट फोर्स विल बी रिवर्स्ड इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर इज़ रिवर्स्ड। अगर हम क्या करें, डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दें, जैसा कि मैंने बताया था, कि अगर हम क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट,
अगर प्लस की जगह हम माइनस से लेंगे तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, और करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, पोल चेंज हो जाएंगे। अगर करंट की डायरेक्शन जिधर से जाएगी उधर ही साउथ पोल बनाता है, तो जब इधर से जाने लगेगा साउथ पोल इधर हो जाएगा, नॉर्थ पोल इधर हो जाएगा, तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, अपोजिट पोल्स हो जाएंगे या अनलाइक पोल्स हो जाएंगे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमारा सी पॉइंट क्या आता है, इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बाई इंटरचेंजिंग द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, अगेन द डायरेक्शन ऑफ एग्जर्ट फोर्स विल चेंज। कि अगर हम क्या करेंगे कि अगर हम क्या किए कि अब इसको जो हमारा कंडक्टर है उसको सेम एज इट इज़ रहने देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं जो हमारा मैग्नेट है मैग्नेट के दोनों पोल्स को चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, साउथ को नॉर्थ की जगह भेज देते हैं और नॉर्थ को साउथ की जगह भेज देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब इंटरचेंज होगा तो फिर से हमारे क्या हो जाएंगे, ये अनलाइक पोल्स बन जाएंगे, और अनलाइक पोल्स बनने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा रिपल्शन हो रहा था उसकी जगह हमारा क्या होने लगेगा, अट्रैक्शन होने लगेगा मैग्नेट के बीच में और रॉड के बीच में, जो करंट कंडक्टर है उसके बीच में। फिर हमारा डी पॉइंट हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी डिपेंडेंसी आई या हमारा जो फैक्टर आया किस पे डिपेंड कर रहा है ये पूरा, तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट की कैसी है, कि डायरेक्शन ऑफ करंट हमने सीधा लिया है या उल्टा लिया है, या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ले रहे हैं, कि नॉर्थ पोल हम सीधा रख रहे हैं या साउथ पोल सीधा रख रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करेगा। यहाँ पर एक चीज़ और हो सकती है कि अगर हम करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे, अगर करंट की वैल्यू सीधे डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, उतना ही ज़्यादा रिपेल करेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के, तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा। अगर हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू घटाएंगे तो रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। और अगर इसी जगह रिवर्स कर देंगे करंट की डायरेक्शन को, या हम अपना क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे पोल्स को, तो यहाँ पर क्या होगा, जितना ज़्यादा हम करंट की वैल्यू देंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, जितना कम देंगे उतना ही कम क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और अगर हम मान लीजिए बार मैग्नेट जो हम सॉरी हॉर्स शू मैग्नेट जो हमने लिया है वहाँ पर क्या करेंगे, उसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा हाई लेंगे तो भी सेम एज इट इज़ रिजल्ट आएगा हमारा, कि अगर ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा हमारा अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, कम लेंगे तो कम अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। सो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, अब जो है हम सेवन्थ पार्ट में मिलते हैं, जहाँ पर हम क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड रूल देखेंगे, उसके बाद फिर हमारा जो चैप्टर है और आगे की तरफ बढ़ेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को जितना हो सके लाइक करें और हमारे वीडियो पे कमेंट करें, और किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट सेक्शन में वो क्या कर सकता है, अपने जो दिक्कत है या अपने क्वेश्चंस हैं वो पुट अप कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।